अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? क्या हुआ? उसको पता चल गया मैंने ब्लॉग स्टार्ट की। बुलाओ खाने के लिए, बोलो आओ खाने। आओ खाने। क्या खा रहे तुम? हाँ? अनार। मुंह से बोला, ऐसा बोलो, अनार खा रही। अनार खा रही मैं। हाँ खाओ खाओ। हाँ खाओ खाओ। वक्त हो रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट व्लॉग में कि मैं दूसरा व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, तो बस ये वही दिन है। मैं अब भी नहा के निकली हूँ। 7:45 बजे मैं नहाने गई थी, क्योंकि मैं लग गई थी उसमें के जो यहाँ पे खिलौने थे ना, बहुत सारा भंडार। वो जो खिलौने थे ना यहाँ पे, उसके इतने सारे जो अभी मैंने फिर भी ठीक से रखे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी ठीक से रखे। एक थैला भर के उतना बड़ा अभी भार पड़ा हुआ है जो फेंकने के लिए रखा है। टूट गए सारे खिलौने। क्यों? नानू नहीं है पापा, वो परी का पप्पा है। तो ऐसा है, वो टीवी देख रही है। तो वो धोने में लग गई थी, वो अलग कर रही थी, सेग्रीगेट कर रही थी कौन सा टूट गया है, किसको फेंकना है, क्योंकि अननेसेसरी टूटा हुआ खिलौना बच्ची को वैसे भी देती नहीं मैं खेलने के लिए। कभी हाथ वाथ में लग जाए, कुछ हो जाए, तो वैसे भी वो फेंकना ही था, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया फेंकने में। वो आप लोगों को खिला रही है, जरा देख लीजिए। खिला दे खिला दे खिला दे खिला दे। मैं खुद खा गई शाड़े। तो ऐसा इसलिए वो आज निकाल के फेंकी, तो मुझे लेट हो गया था। जब ही ब्लॉग एंड की थी ना, तभी मेरा कोई इरादा नहीं था वो सब करने का, लेकिन फिर बाद ब्लॉग एंड करने के बाद फिर ऐसा लगा कुछ काम नहीं है, तो चलो मैं वो लेके बैठ जाती हूँ। तो मैं वो लेके बैठ गई, लेकिन मैंने कैमरा ऑन नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लग गया उसके अंदर। मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे लग गए अगर मैं कैमरा ऑन करके बैठा। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था, इतना पसारा, इतनी धूल दपट्टा लग रहा था, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। और अभी फारिग हुई हूँ मैं। क्या पापा? हैप्पी लोलो। वो हैप्पी बर्थडे को हैप्पी लोलो बोलती है। ओके, तो चलिए अभी फारिग हुई हूँ मैं, मिलती हूँ मैं थोड़े टाइम से। ओके, थोड़ा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। उस्मा बोलो मैं मिलती हूँ, इधर देख के बोलो ना। उठा नहीं क्या? उठा नहीं? अरे देख लो एक बार। दिखा दिखा के खा रही है भाई, दिखा दिखा के खा रही है। दिखा दिखा के उसको चम्मच से खाना खाने आ गया ना, तो अब वो दिखा दिखा के खाती है। ओके चले मिलती हूँ। उसके अब्बा भी आए हैं। चलिए मिलती हूँ। कौन कौन कौन? चम्मच से क्या खाया? नहीं दिख रहा क्या? अनार खाया मेरी बेटी ने, चम्मच से अनार खाया। ये देखो ऐसा खाते हैं। मजे मजे। अरे वाह, मतलब चम्मच में नहीं आ रहा है तो ऐसा खाते हम लोग। अरे वाह, खत्म हो गया? बोलना खत्म हो गया, मैं कैसे खाऊं? गुड गर्ल। ओ वाव, आ गया आ गया आ गया आ गया। खत्म हो गया जान। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में क्या बनेगा, गेस करो। कर लिए? जी हाँ, दाल चावल बना रही हूँ मैं खाने में। और उज़्मा गई है नानी के दर, उसके इसलिए मैंने उसको भेजा नानी के दर क्योंकि वो सुबह से मेरे पास है, आज वो नानी के दर गई नहीं। और जिस दिन भी वो अचानक से नानी के दर नहीं जाती है और मेरे पास रहती है, तो रात में जब भी उसकी नींद खुलती है ना, तो फिर वो नानू नानू करके रोती है, आधी रात को खड़ी हो जाती है कि मुझे बाहर लेके चलो। तो मैं वो चीज़ नहीं चाह रही थी, इसलिए बाबू जब काम पे से आए ना, तो चाय नाश्ता होने के बाद मैंने बाबू को बोला, बाबा आधा घंटे के लिए इसको लेके जाओ, अभी फ़िलहाल 15-20 मिनट भी लेके जाएंगे ना चलेगा, एक बार मिलके आ जाएगी ना उन लोग से, तो मेरे को टेंशन नहीं है, रात को अच्छे से सोएगी। तो ऐसा है यार, बहुत इच्छा होती है मेरी भी कि मैं नॉनवेज की हर एक आइटम खा लूँ,
लेकिन क्या करूँ मैं नहीं खा पाती, और बाबू मेरी जान जलाने के लिए बराबर लेके आएंगे मेरे सामने बैठ के खाते। चलो खैर, लेकिन अगर वही चीज़ मैं पूछ लूँ ना बाबू, मैं बना देती ना घर में, बनाऊँ क्या, तो बोलते जाने दे इतनी मेहनत करती है लेकिन तू तो खुद खा नहीं पाती है, मैं अकेले खाता हूँ और खा खा के भी कितना खाऊंगा। और वो भी सही बोलते हैं, क्योंकि मेरा देखो अकेले इंसान का जजमेंट नहीं बैठता, कम से कम 1.25 किलो तो लाके इंसान पकाएगा ना, नॉनवेज जो भी बनाएगा तो 1.25 किलो तो बनाएगा ना। अब 1.25 किलो भी नहीं खा पाते बाबू, शौकीन है लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि 1.25 किलो अकेला इंसान खा लेगा, नहीं उतना नहीं खाते वो, तो वो बच जाता है नेक्स्ट डे, और फिर वो बचा ही रह जाता है, फिर कल शाम हो जाती है उनके काम पे जाए तक के। आप लोग जानते हैं बाबू दोपहर में खाना खाने आते नहीं है, टिफिन वो ले जाते नहीं है, उनको कितना बोलती हूँ कि बाबू टिफिन लेके जाया करो, तो बोलते देख मेरा फील्ड वर्क है और मैं कहाँ बैठ के खाऊंगा खाना, और मैं विलन बन गई हूँ, कई लोग मुझे बोलते अपने हस्बैंड को खाना तक नहीं देती पका के, अरे मैं क्या करूँ, नहीं खाते नहीं ले जाते तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसा है, दाल चावल जिंदाबाद, खिचड़ी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या बोलते पापा, अपन क्या किए, बोलो अपन क्या किए, बोलो हम छोके होते, हम लोग छो गए थे रात को, रुक कूलर बंद कर दी, रुक कैसे क्या आप? कैसे है आप? हाँ बोलो बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो है ना कल रात को ना मैं खाना बना रही थी और ये इसकी नानी की तरफ से आके सो गई थी, तो हम लोग भी खाना वाना खा के फिर शांति बैठ गए, मैं बिग बॉस देखने बैठ गई, उसके बाद मैं भी ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं ब्लॉग बनाती थी ना मेरी आवाज़ सुन के फिर से उठ जाती थी इसके लिए, है ना पापा। बोलो हमने मिलते बाद में आपको, खाना पीना नाश्ता पानी करने के बाद, बोलो बोलो मिलेंगे बाद में। चल आते हम लोग, मुँह हाथ धो के खाना पीना खा के। यहाँ पे कल के रात के चावल है जो कि अभी मैंने गर्म किए, कल रात के चावल, और ये दाल है ये भी गर्म की अभी, अभी ये हम लोगों को हो जाएगा दोपहर में, और अभी उज़मा खा रही है बाहर से, ये दोनों गर्म हो गया, पानी भी गर्म हो गया यहाँ पे, तो अभी मैं इसको साइड में करके थोड़ा किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ। ये इडली उज़मा के लिए लाए थे नाश्ते में खाने, लेकिन वो इडली एक ही खाई डॉगी उज़मा, उसने एक ही इडली खाई और फिर नहीं खाई, तो अभी मैंने उसको एप्पल दिया है काट के, अभी फिलहाल वही खा रही है वो, और मिलाती हूँ मैं आप लोगों को उज़मा से। अल्लाह बैटरी खत्म हो गई, क्या खा रहे तुम आज, बैटरी खत्म हो गई, वो ग्रीन वाले पे क्लिक करो, ग्रीन वाले पे क्लिक करो, क्लिक करो ग्रीन वाले पे, ग्रीन ग्रीन पे, ग्रीन लाइन है ना जो, हाँ उस पे बैटरी, हाँ बैटरी खत्म हो गई है। सुनो तो बताओ तो क्या खा रहे, ए पोपैट जल्दी खाओ, अपने को ये सब उठाने का झाड़ू मारने का, गुड गर्ल, जल्दी खाने का, अभी अपने को सफाई करने की है ना सोनू, सफाई करने की ना। तो देखिए वो अपने खिलौने निकाल के बैठ गई है, उसको कुछ भी खाने दो ना तो या तो उसको फ़ोन चाहिए, या तो टीवी चाहिए, या तो कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए। देखो यहाँ पे वो रोटी बना रही है पतला बेलन, और यही खिलौने मैंने कल है ना वॉश किए, जिसके अंदर मुझे 2 से 3 घंटे लग गए, और ये एक थैली है, ये छोटे खिलौने हैं, और बड़े बड़े टैंक के पीछे अभी रखी हूँ, सबको साफ किया मैंने कल, तो अभी वो उससे खेल रही है, खेल लेने दो, उसके बाद मैं सफाई करती हूँ घर की। तो ऐसा है, खिलौने बहुत है उसके पास। तो जैसे कि देखा आपने उज़मा भी नाश्ता कर रही है, वो खा के उठ जाएगी, तो फिर मुझे झाड़ू वगैरह मारना है और बर्तन धोना है, फिर हो गया, फिर मैं नहाने चले जाऊँगी, और आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक।
पहले ही बता दे रही हूँ मैं आपको, मुझे नहीं पता ये ब्लॉग मैं शाम तक चलाऊंगी या दोपहर में एंड कर दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं तो किचन धोने जा रही हूँ और बर्तन धो के मिलती हूँ मैं थोड़े टाइम से आप लोगों से, ओके। अरे हाँ, मैं एक चीज़ बता देती हूँ वरना मैं भूल जाऊँगी, वो फ्रिज का जो बोले थे ना आप, उन फ्रिज जो मैं देखने गई थी, तो मैं इस तरह से कंफ्यूज हुई क्योंकि ना मुझे चाहिए थी एलजी की फ्रिज, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने ना सैमसंग की दिखा दिए। सैमसंग की कोई तो ऐसा मॉडल जो मैंने कहीं भी नहीं देखा, ऐसा मॉडल क्रोमा में था, वो 5-in-1 रेफ्रिजरेटर वो बता रहे थे, 5-in-1 मतलब डिफ्रीजर का भी बंद कर सकते हैं आप, फ्रिज बंद कर सकते हैं, डिफ्रीजर चालू कर सकते हैं, डिफ्रीजर बंद करना है तो डिफ्रीजर को बंद करके फ्रिज चालू कर सकते हैं, और अगर आपको डिफ्रीजर को भी फ्रिज मोड पे करना है तो फ्रिज मोड पे कर सकते हैं, तो ऐसे उन ऑप्शन बता रहे थे। तो वो फ्रिज के इतनी सारी फीचर्स उन्होंने बताए कि मैं कंफ्यूज हो गई, लेने गई थी एलजी और उन्होंने सैमसंग का इतना सारा सब कुछ बता दिए। अब रही बात, उन्होंने फीचर्स तो बड़े अच्छे बताए लेकिन मेरा जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट सैमसंग कंपनी को लेके थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि मैंने आज से 7 साल पहले भी एक फ़ोन लिया था सैमसंग, जो 2-3 दिन में ही नाटक चालू कर दिया था, तो मुझे तीसरे दिन है ना फाइट करनी पड़ी थी कि मुझे ये फ़ोन चाहिए ही नहीं, ये रखो अपने पास आप, पूरा हाइपर सिटी को हिला दिया था मैंने कि मुझे ये फ़ोन चाहिए ही नहीं, ये मेरे को रिफंड चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने नोकिया लिया था, उसके बाद फिर मैंने ये सैमसंग का फ़ोन लिया। ये सैमसंग का फ़ोन लेने के बाद आप लोग जैसे कि जानते हैं कि एक हफ्ते के अंदर ही इसमें एक लाइन आने लग गई थी रेड कलर की, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं गैलरी गई थी तो गैलरी वाले ने ये बोला था, मैडम इसका जो अब फीचर है ना, ये जो रेड लाइन आती है ये अपडेट नहीं हुआ, ये फीचर ये अपडेट हो जाएगा ना तो ये लाइन जाना चले जाएगी, ये लाइन को हटाने के लिए आपको ब्राइट लाइट में वीडियो शूट करना पड़ेगा, तो अभी इसका अपडेट नहीं हुआ सिस्टम, उसके लिए मैं ब्राइट लाइट एलईडी लाइट यूज़ करूँगी। और वही किया मैंने, क्या किया फिर मैंने 1000 रुपये का बल्ब ला के घर में लगा दिया ताकि मेरे वीडियो में लाइन ना आए, है ना, तो उस वजह से मेरा 1000 रुपये वहाँ भी चला गया। सैमसंग ने ये मतलब आधे आधे अपडेट करके फीचर्स प्रोडक्ट सेल करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 बार मेरे साथ ऐसे हो गया। सैमसंग 7 साल पहले एक फ़ोन लिया था वो, और सैमसंग अभी ये वाला सैमसंग A50, इसके साथ भी ये लाइन का प्रॉब्लम है, और अब उन्होंने सैमसंग की फ्रिज बता दी है, तो फ्रिज में सैमसंग फ्रिज और वो भी प्राइस 31,000 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट, MRP 40,000 है और आफ्टर डिस्काउंट 31,000, बजट मेरा इतना नहीं था लेकिन फिर भी फीचर्स उन्होंने ऐसे बताए, ओके वो बाबू को पसंद आ गई, तो वहाँ पे ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि करूँ क्या। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि मुझे सैमसंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फीचर्स उन्होंने ऐसे बताए, कभी डिफ्रीजर को बंद करना है तो आप बंद करके फ्रिज बना सकते हो, एकदम ही डिफ्रीजर को बंद करना है, खाली फ्रिज चालू रखना है तो आप फ्रिज चालू रख सकते हो, फीचर्स बड़े अच्छे बताए। ये फ्रिज 5-in-1 किसी ने देखा या किसी के पास है तो मुझे बताना इंशाल्लाह, अगर फिर अगर हाँ कोई यूज़ कर रहा है और अच्छे से चल रही है तो फिर मैं बाय कर लूँगी। और दूसरा और एक क्वेश्चन है आप लोगों से पूछने का था मेरे को, क्या पता है, एक है ना सब्सक्राइबर है मेरे 2-2.5 महीने से मुझे बोल रहे हैं कि मुझे आपका ना लुक क्रिएट करना है, मुझे आपका मेकअप करना है। मुझे नहीं पता वो मेरा मेकअप क्यों करना चाहते हैं, और मैं मेकअप में खुद इतनी ज़्यादा कुछ ज़्यादा वो नहीं हूँ, मतलब इंटरेस्ट नहीं है कि मैं मेकअप वगैरह कराऊँ स्पेशली खाली एक वीडियो के लिए। तो अभी वो बोल रहे हैं आओ मेरे बुटीक में मीरा रोड। अब देखो मैं तो गई नहीं, 17 सितंबर को भी उन्होंने बहुत पोस्ट किया था कि आप आ जाओ मैं आपका मेकअप करती हूँ, उसमें कैमरा हिल रहा मत हिलो, मैं नहीं गई। लेकिन फिर अभी वो कंटिन्यूसली मुझे इंस्टा पे भी DM कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, और मैंने बोला भी था उनको हाँ ठीक है इंशाल्लाह देखते हैं अपन, तो अभी बोली थी, तो अभी मैं तो नहीं जा सकती मीरा रोड, अभी मैंने उनको बोला आप मेरे घर आ सकते हो क्या, तो वो आने के लिए भी रेडी है। अभी आप लोग बताइए कि आप लोग मेकअप लुक वीडियो देखना चाहते हैं क्या मेरा, मैं हाँ बोलूँ क्या उनको, कन्फर्म टाइम दूँ क्या उनको, घर पे आके वो मेरा मेकअप करेंगे लुक क्रिएट करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं हाँ मैं मेकअप करवाऊँ उनसे तो आप लोग मुझे बताना, और कौन सा लुक करवाऊँ वो भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो आज मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन किए, एक है फ्रिज कौन सी लूँ और वो लूँ क्या नहीं लूँ क्रोमा से, और दूसरी ये सैमसंग की फ्रिज लूँ क्या नहीं, हाँ मेरा क्वेश्चन समझिए, मैं सैमसंग की फ्रिज लूँ क्या नहीं लूँ, और दूसरा ये कि मैं वो सब्सक्राइबर जो मुझे बोल रहे हैं मेरा मेकअप करने का है, उनसे मेकअप करवाओ या नहीं करवाओ, मेकअप वीडियो आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो किस लुक में चाहिए, ओके कमेंट करके ज़रूर बताना। उसमें बाय बोलो पापा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, टुक 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 टुक। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ना अभी वैसे भी बिजी होने वाली हूँ मैं, तो अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, बाय। उसमें फिर से एक बार बाय, चलिए मिलती हूँ हाँ अगले ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।